हर किसान चाहता है कि उसके खेत में जो मोटर लग रही है वो बिल्कुल ठीक हो, उसमें कोई उसे परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि फसल की पैदावार के लिए उसे पानी की भी आवश्यकता पड़ती है, उसे बिजली की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आज हम आपको लेकर आए हैं करनाल में भगवती सेल्स कॉरपोरेशन पर, जो करनाल में पुरानी अनाज मंडी में नोवल्टी रोड के बिल्कुल नजदीक स्थित है। यहाँ पर घर का, खेत का हर सामान आपको उचित दाम पर मिल जाएगा और उसका काफी फायदा आपको रहने वाला है। क्या क्या यहाँ पर मिलता है वो हम आपको बता देते हैं। टेक्समो का पंप आपको मिल जाएगा, टेक्समो का आपको सोलर पंप मिल जाएगा, फिनोलेक्स वायर मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको एलएनटी स्टार्टर मिल जाएगा, एक्साइड की आपको बैटरी मिल जाएगी। और उसके लिए आपको आना है भगवती मशीनरी स्टोर पर, जो करनाल में पुरानी अनाज मंडी के बिल्कुल नजदीक नोवल्टी रोड पर स्थित है। और क्या फायदे रहते हैं टेक्समो पंप के एक किसान के लिए, हमारे साथ पीपी सिंह जी मौजूद हैं जो टेक्समो कंपनी के नॉर्थ के इंडिया के हेड हैं। पीपी सिंह जी क्या कुछ बताना चाहेंगे टेक्समो कंपनी के बारे में और इन तमाम पंप्स के बारे में जो किसान के लिए बेहद ज्यादा जरूरी हैं? टेक्समो कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, करीब 70 ईयर ओल्ड कंपनी है और इसका एक ही फार्मूला शुरू से रहा है, क्वालिटी। जिस क्वालिटी को हमने पहले भी मेंटेन किया, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, यही है। टेक्समो का एक स्लोगन भी इसलिए मार्केट में बोलते हैं, दादा खरीदे पोता बरते, मतलब अगर आज दादा खरीदता है तो उसका बेटा भी यूज करेगा, फायदा उसको और उसका पोते को भी यूज होगा। तो एक हमारा स्लोगन पिछले 70 ईयर से चल रहा है जो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। एक तो कस्टमर ऐसे भी आते हैं कि जिनको लगता है कि उन्होंने पुरानी मोटर कभी 30 साल पुरानी ली थी, आज जब बेची है तो उस दाम से ज़्यादा की बिक गई उनकी मोटर, तो ये भी चीज़ उसमें आ रही। जो भी मेन चीज़ है कि टेक्समो का क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ना, दूसरा बात है कस्टोमाइज पंप्स देना, ग्राहक की जैसी रिक्वायरमेंट है, उस कम बिजली है तो कम बिजली के हिसाब से देना, ज़्यादा पानी चाहिए तो ज़्यादा पानी के हिसाब से देना, ज़्यादा हेड का चाहिए। हमारी मोटर डीप पंप्स इंडिया में बनाती है, बहुत कम लोग ऐसे हैं, जैसे यहाँ 100 फुट वाटर लेवल है तो कोई भी कंपनी चलेगी, जहाँ 200 है, 500 है, 1000 है, 1500, 2000 है, जहाँ जहाँ 2000 फुट लोरिंग पड़ती है वहाँ टेक्समो ही चलता है। दूसरा कंपनी का हिम्मत नहीं है या उनके पास वो क्वालिटी नहीं है कि जो वहाँ पे सरवाइव कर सकें। सोलर पंप के बारे में क्या बताना चाहेंगे, टेक्समो का कितना जरूरी है आज के समय में सोलर पंप? सोलर पंप किसानों के लिए बहुत जरूरी है, और इतना जरूरी है कि ये किसान को एक तो खर्चा कम करता है, दूसरी बात वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर किसान आदमी एक बार इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो आगे 20-25 साल तक कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बियर एंड टीयर भी नहीं होता है, और मतलब ये एक फ्री का है, जैसे भगवान ने जो हमको एनर्जी दी हुई है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो सोलर पंप में जितने लोगों को जाना चाहिए वो जा सकते हैं। टेक्समो कंपनी 1 HP से लेकर 10 HP, 20 HP, 30 HP तक सोलर पंप मार्केट में दे रही है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सोलर पंप खरीद सकते हैं। सोलर पंप के फायदे बड़े होते हैं और उन किसानों के लिए भी अच्छा है जहां पर बिजली की व्यवस्था थोड़ी कम रहती है। LNT स्टार्टर हम आपको दिखा रहे हैं, मोटर की सुरक्षा के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है और मोटर बेहद ज़्यादा सुरक्षित होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं फ्यूज़ हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है, और उसकी सुरक्षा के लिए ये LNT स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है। फिनोलेक्स वायर यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो आप समर्सिबल वायर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी रहता है किसान के लिए सोलर पंप या टेक्समो का पंप? नहीं, टेक्समो का जो पंप है समर्सिबल, ये अच्छा, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो फार्मर के लिए बहुत बढ़िया है और इकोनॉमिकली ठीक पड़ता है, रेट्स में भी, और ज़्यादा पानी आम इंटरनेशनल कंपनी से ज़्यादा पानी देता है, और इसका जो कास्ट आयरन है वो बहुत अच्छा है, वाइंडिंग वायर कॉपर जो यूज़ किया है, सिलिकॉन जो इसमें स्लॉट्स वगैरह है वो सिलिकॉन से, तो बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, बहुत उत्कृष्ट, जो चलने वाला और किसान को ज़्यादा लाभ देने वाला। किसानों को ज़्यादा ही लाभ मिलना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है।
भगवती मशीनरी स्टोर पर, इसलिए किसानों के लिए नए नए अलग अलग प्रोडक्ट यहां पर लेकर आए हैं। टेक्समो का समर्सिबल पंप है, उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है क्योंकि भारत की लीडिंग कंपनी में टेक्समो आती है। हमारे साथ कुछ और किसान भी हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं टेक्समो के पंप के बारे में, समर्सिबल पंप के बारे में, क्योंकि एक किसान के लिए पानी और बिजली बेहद आवश्यक है। 5 मोटर है मेरे पास, 30 HP, 35 HP, 25 HP, और सभी मोटरें टेक्समो की डाल रखी हैं। मतलब क्या मोटिव होता है किसान का कि उसको अच्छा पानी मिले, क्योंकि सरकार की तरफ से 8 घंटे लाइट आती है और पानी अच्छा मिलेगा तभी किसान उसमें अपनी फसल को पका सकेगा। लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपका, लेकिन डीलिंग की बात होती है, मैं दोबारा डीलिंग की बात फिर आपकी भगवती मशीनरी स्टोरी करूँगा। दुनिया बैठी रहती है, अपना माल बेच के चले जाते हैं लोग, लेकिन डीलिंग अच्छी होगी तभी, क्योंकि एक किसान किसको जानता है, वो इसको जानेगा यहाँ से मोटर उठाई है, वो थर्ड पर्सन उठाएगा, इसलिए डीलिंग सबसे अच्छी है। और पंप, और दूसरी बात, मैंने अभी सेक्टर 8 में ये कोठी बनाई है जिसमें सभी जो आपकी पाइपें हैं वो डी प्लास्ट की यूज़ की है हमने, कोई दूसरे नहीं। और मेरे मतलब रिश्तेदार भी बना रहे थे, उनको भी सारा माल भी यही सब डी प्लास्ट का यूज़ किया है, बहुत बढ़िया बेटर। तो ये एक किसान की राय है जो उनकी तरफ से बताई गई है। डी प्लास की पाइप बेहद किसान के लिए आवश्यक होती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कुछ किसान और भी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि डी प्लास PVC पाइप आपके लिए बोरिंग में इस्तेमाल की जाती है, सीवरेज के लिए अंदर इस्तेमाल की जाती है, बिजली के जब हम पाइप डाल रहे होते हैं तो वहाँ पर भी फिटिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी इस्तेमाल की जाती है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, आप भी अपने खेत के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते होंगे, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? जी, मेरा नाम जो है ईश्वर दयाल शर्मा है, मेरा गाँव असम्बली है, डिस्ट्रिक्ट करनाल, और मैं किसान वेलफेयर क्लब का जो है कैशियर हूँ 20 सालों से। हमारा संगठन है, हमारे संगठन में 500 किसान हैं, और हम जो है कम से कम जो है 20 सालों से पहले तो इन्हीं की दुकान जो थी भगवती मशीनरी स्टोर निसंग में थी, तो वहाँ से मेरा इनके साथ जुड़ा हुआ। डी प्लास्ट का ही मैंने जो है सामान यूज किया, टेक्समो की मोटर और एक CRI का भी इनका जो है निसंग के अंदर जो है वो भी मैंने डाली। सबसे मेन बात थी कि आपको जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही कोई आप प्रोडक्ट लोगे, अगर उसमें कोई कमी आ जाती है, पहले तो बात कमी आएगी नहीं, लेकिन ये पूरी उसकी बात भी सुनते हैं, ईमानदारी का काम करते हैं। और मैंने तो LT का स्टार्टर 20 साल पहले लगाया था, आज तक वही है। उस टाइम तो जो है मोटरें भी छोटी होती थी, 12 की 15 की थी, और 25 पे भी आज वही चल रहा। और इसी प्रकार डी प्लास्ट का पाइप, कई कर दादा लेबर पोता बरता है, एक फ्री ले का भूल जाओ, तो ये प्रोडक्ट है। एक बार पैसा तो लगेगा, लेकिन आपको दोबारा इसमें जो है ना तो इसके कोई रख रखाव में कोई दिक्कत आएगी, ना कोई और दिक्कत आएगी, सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। और उससे भी बेहतर जो है नहीं, इन हमारे जो सेठ हैं लाला कृष्ण जी हैं, नीरज जी हैं, इनकी जो है आपस में इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी समस्या आप फ़ोन करो, किसी भी भाई पे करो, अपने आप आपके पास मिस्त्री पहुंचेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ के ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपने देखा कि जितने भी तमाम किसानों से हमने बात की, उन्होंने बताया कि वो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेत के अंदर। उन्होंने बताया कि डी प्लास की वो पाइप इस्तेमाल करते हैं, टेक्समो का वो समर्सिबल पंप इस्तेमाल करते हैं, LNT का वो स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, किसान खुश हैं आपके तमाम प्रोडक्ट से? किसान की संतुष्टि ही मेरी संतुष्टि है। मैं सोचता हूँ कि मेरा किसान खुश है तो मैं खुश हूँ। मैं मुनाफे में ध्यान नहीं देता, मैं किसान की संतुष्टि पर ध्यान देता हूँ। कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं, आना कहाँ पर है, किसी किसान को आना है? पुरानी अनाज मंडी नावल्टी रोड पे, भगवती मशीनरी स्टोर 6566 नंबर मेरी दुकान है, यहाँ पर आना। क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? टेक्समो पंप, डी प्लास्ट PVC पाइप, फिनोलेक्स वायर, जिंदल डिलीवरी पाइप मिलेगा, ये सब स्टार्ट सामान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और उचित दामों मिलेगा। क्वालिटी दूंगा और उचित दामों पर दूंगा। तो ये इन्होंने बात कही है कि क्वालिटी भी देंगे और साथ ही साथ
उचित दामों पर देंगे, यानी कि किसान जब आएगा तो यहाँ से संतुष्ट होकर जाएगा और किसान की संतुष्टि ही जो है इनकी संतुष्टि है। आपको आना कहाँ पर है एक बार फिर से बता देते हैं, भगवती सेल्स कॉरपोरेशन, इनका पुराना जो नाम है वो भगवती मशीनरी स्टोर है, करनाल के अंदर जो नोवेल्टी रोड है पुरानी अनाज मंडी के पास, 65 और 66 नंबर इनकी दुकान का नंबर है। और आपको यहाँ पर हर प्रोडक्ट मिलने वाला है, खेत से जुड़ा हुआ, किसानी से जुड़ा हुआ, किसान से जुड़ा हुआ। तो एक बार किसान यहाँ पर आएंगे तो उन्हें जो जो प्रोडक्ट खेत में इस्तेमाल होते हैं, जिनकी जरूरत है, और खास तौर पर अब सोलर पंप भी आ गया है टेक्समो का, वो भी आप खरीद सकते हैं, बिजली की भी बचत होगी, जो आपका बिल आता है उसकी भी बचत हो जाएगी, और साथ ही साथ पानी भी आपके पास ज्यादा पहुंचेगा ताकि आपकी फसल की पैदावार अच्छी हो सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।